बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं लेबनीज चिकन फतेह। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो हम इस रेसिपी में यूज करेंगे ईवा कुकिंग ऑयल। ईवा कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में एक प्रीमियम कुकिंग ऑयल ब्रांड है। इस बार इस ब्रांड ने पाकिस्तान में पहली बार कुकिंग ऑयल के लिए 4 लेयर्स वाली मेटलाइज्ड पैकेजिंग मुतारिफ कराई है। ये 4 लेयर्स वाली पैकेजिंग ऑयल को गर्मी, जरासीम और सूरज की गर्मी से दूर रखती है और ये यकीनी बनाता है कि ईवा कुकिंग ऑयल की क्वालिटी और ताजगी ज्यादा देर तक बरकरार है। चिकन के लिए हमने जो चीजें चाहिए, चिकन लिया है हमने हाफ ब्रेस्ट, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। दही लेंगे हम 4 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर पाउडर नहीं है तो 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, ऑरिगानो लेंगे 1/2 टीस्पून और ईवा कुकिंग ऑयल लेंगे यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून। एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे चिकन और इसमें डालेंगे दही, नमक, पेपरिका पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, ओरिगानो और इसमें हम डालेंगे ईवा कुकिंग ऑयल और इसको सारा मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। चलें और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और अब हम यहाँ पे पीटा ब्रेड रेडी कर लेंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है, अगर आपने डो की रेसिपी देखनी तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैदा लेंगे हम 2 कप, 2 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पे पाउडर मिल्क, ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून और हसब जरूरत नीम गरम दूध लेंगे। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं और अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप मत डालें, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ये होता है जो हमारी डो होती है ना बहुत सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और अगर आप बटर डालेंगे तो बटर से तो और भी ज़्यादा कमाल की डो रेडी होगी, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे ईस्ट, चीनी, मिल्क पाउडर, नमक और मिक्स कर लेंगे सारी चीजें डाल के। और अब सेंटर में हम जगह बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, मिक्स करेंगे और डो को गूंद लेंगे। थोड़ा सा दूध और डालेंगे और अब हम क्या करेंगे, डो को इस पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्लैब पर हम इसको निकाल लेंगे, पर ये साफ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ हो, उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख के गूंदेंगे। इससे ये होगा जो डो होगी वो हमारी बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी और मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ कि कैसे गूंदना है। ये जो ड्राई है ना, पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी डो जो होती है वो राइज नहीं होती। ठीक है, तो वो यही मसला होता है कि उसे गूंदते वो अच्छे तरीके से नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से गूंदेंगे ना तो डो आपकी कैसे हो सकता है राइज ना हो, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म दूध इस्तेमाल कर लेते हैं और या तो फिर ज़्यादा पतला कर देते हैं और राइज ही नहीं होती, या फिर कोई गड़बड़ ज़रूर करते हैं वो। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से गूंदते जाना है। ये देखें इस तरह, इस हाथ की हथेली से इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से गूंद लेना है। जैसे ये चिपकना बंद हो जाएगा ना तो समझे आपकी डो अच्छे से गूंद ली गई है। ठीक है, ऐसे आपने करना है। ये देखिए इसको अच्छे से हम गूंदेंगे। तो ये देखिए डो को हमने इतनी अच्छी तरह से गूंदा है कि ये बिल्कुल मेरे हाथ भी साफ हो गए हैं और चिपकना भी बंद हो गई है। इसका मतलब ये परफेक्ट अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका पेड़ा बना के इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। तो चलें, पेड़ा हमने बना लिया, अब इसको हम राइज कर लेंगे, प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे। तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या कोई कैप लगा दें उससे भी कवर कर सकते हैं। तो अब इसे हम रख देंगे राइज होने के लिए 1-2 घंटे के लिए। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके 2 पीटा ब्रेड्स बना लेने हैं। ठीक है, चलें मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और
और एक पकड़ेंगे, इसको साइड पे कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ऊपर भी मैरो डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। चलें, ये हमने बेल ली। अब हम एक पैन ले लेंगे। तो यहाँ पे पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब उठाएंगे और ब्रेड को इस पर रख देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। जब आपने अच्छी तरह से पैन को गर्म कर लेना, उसके बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है। जैसे बबल्स आना शुरू होंगे ना, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और साथ साथ मैं दूसरा भी बना रही हूँ। तो ये देखिए, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह, साइड चेंज कर दिए, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये रेडी है। इसको हम निकालते हैं और इसी तरह दूसरी भी रेडी कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन को अच्छे से कुक करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। और पानी वगैरह हमने ऐड नहीं करना, दही के पानी में ही चिकन हमारा कुक होगा। तो यहाँ पे देखिए, चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लेबनीज सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने दही ली है 1 कप, और तिल का पेस्ट लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, मिक्स हर्ब लिया है 1/4 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून और क्रीम लेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के। तो चलें सॉस रेडी करते हैं। तिल, थोड़े से तिल लिए, उसको मैंने पानी में डाल के अच्छे से पीस लिया। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया, इसमें हम डाल देंगे दही, लेकिन अभी फ्लेम ऑफ है और इसमें जाएगा ये तिल का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स हर्ब, नमक, मिक्स करेंगे। और अभी फ्लेम ऑन नहीं की मैंने, और इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरह पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें, बॉयल आ चुका है और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इस पे डाल देते हैं क्रीम। अब हम सॉस को साइड पे करते हैं। अब हमने एक पैन लेना है, तो पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा साइवा कुकिंग ऑयल डाल देंगे बस। और इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए बादाम, छिलके के बगैर, तकरीबन 5-6 बादाम लिए जिसको मैंने सेंटर से काट लिया। चलें अब इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करना था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलें अब हम बादामों को निकाल लेते हैं। तो ये बादाम हमने रोस्ट कर लिए, इनको हम साइड पे कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, हल्का सा फ्राई करना है पीटा ब्रेड को। चलें अब इनको हम निकाल लेते हैं। चलें अब हम ब्रेड को स्लाइस में काटते हैं। अब इनको भी हमने 2 हिस्सों में काटने हैं। चलें तो अब हम एक डिश लेंगे। चलिए एक डिश ले ली हमने। अब हमने ये जो ब्रेड है ना, ये इस पे लगानी है। तो सारी ब्रेड हमने सेट कर ली। अब हमने यहाँ पे डालना है चने, वाइट चने होते हैं ना, वो डालेंगे बॉयल किए हुए, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन, आपके सामने रेडी किया है। चिकन ऐड कर दिया, अब हम इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे जो आपके सामने रेडी किया। और उसको किस तरह ऐड करना है, अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे रोस्ट किए हुए बादामों का, धनिया गार्निश कर देंगे थोड़ा सा। तो तैयार है लेबनीज चिकन फतेह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, मेहमानों के आगे कुछ हटके बनाएं और मेहमान भी खा के खुश हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये लेबनीज चिकन फतेह की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके किसी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो यह मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइफ विद आमना के इंस्टा का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नजर आ रहा होगा। तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।